सो मैं सारे का धन्यवाद करना चाहना खास करके पुलिस के जवानों का जिन्होंने मेरी इन्नी सपोर्ट की है। उन्होंने आपकी फिल्म आते आपकी फिल्म में आपदे आप देख रहे हैं तो मैं बड़ी खुशी होती है। मैंने हमने हमने एस पी मैम आए थे मिल के गए तो वह कहने मैं वह दिन याद आ गए जो अभी ट्रेनिंग करते थे। जो विजन सी मेरी कि एक दिन वो आऊगा कि जो लोग कहे कि नवे कलाकारों मौका दे दो क्योंकि ता ही जनरेशन अगे निकलेगी तो वो अज वो दिन आ गया है। एक बहुत बड़ी जित हैगी है जहान किला लिए भी तो पूरी इंडस्ट्री लिए मैं बहुत खुश हैगा। मेरा जीत के नाल बॉन्ड बहुत वधिया रहा वा जीत तो मैं क्योंकि मेरे सीनस बॉयज के नाल घट ने मोस्टली जोबन के नाल ने सो बिहाइंड द सीनस मेरे तो जीत का स्कैड्यूल वॉज वेरी सिमिलर बिकॉज असी बॉम्बे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साड़ी स्कैड्यूल अलाइंस हो रहे थे सो आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड आई एंजॉयड एवरी डे यू नो बिहाइंड द सीनस आफ्टर हर साडा शूट खत्म हो जाता सी असी डिनर करते सी असी मस्ती करते सी या किसी होर का शूट सीन चल रहा होता सी तद यू नो असी हंसी मजाक करते सी। जोबनप्रीत खुद ये पुलिस में रह चुके हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस है तो मैं और जोबन तो आई थिंक काफ़ी सालों से लाइक 5-6 साल से हम फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें लाइक वो भी काफ़ी शेयर करता है। वेलकम एंड सत श्री अकाल चैनल पंजाब प्लस टीवी तुसी देख रहे हो तो अज आप पहुंचे हुए हैं फिल्म जहान किला दे प्रीमियर से जिसका बेसब्री दे नाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट रिस्पोंडर्स नू डेडिकेट की गई है यूथ के मुद्दों उजागर करती है फिल्म है। सो इस फिल्म के अहम किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं जोबनप्रीत सिंह, गुरबानी गिल, अजीत सिंह, आकाशदीप सिंह जशन कोहली जिन्हों बॉलीवुड के भी अदाकारी करते हुए देखा तो इस अजिहे भी चेहरे अदाकारी करते हुए नजर आएंगे जिन्हों अक्सर बाकी फिल्मों के बहुत ज़्यादा प्यार देंगे दे। जिन्हों एक है गुरिंदर मकड़ा जी। सो आओ देखते हैं फिल्म से करते हैं फिल्म की स्टारकास्ट के नाल गलबात। इस फिल्म में नए कलाकार है, नए स्टारकास्ट है तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये फिल्म जाके देखना। मैं इस फिल्म में कोरियोग्राफर हूँ और सारे गाने मैंने कोरियोग्राफ किए। डायरेक्टर साहब ने मुझे ब्रीफ किया था गानों के बारे में कि स्टोरी बोर्ड को पकड़ के गाने कोरियोग्राफ कर लें और काफ़ी मज़ा आया क्योंकि शूटिंग के दौरान सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे अपने वो कैरेक्टर उस गाने में डांस के ज़रिए उन्होंने बहुत ही अच्छा बखूबी निभाया और मैं सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सारे नवे एक्टर आए हैं और नवे एक्टर ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है और जो तो फिल्म देखन तो बाद तुझे बाहर आओगे तो गुनगुनाते हुए आओगे बाहर। अच्छा लगा कि दोस्त मेरे दोस्त ने मूवी बनाई है एंड आई होप इसको सक्सेस मिले। सक्सेस सिर्फ आपके थ्रू मिल सकती है। सर जहान किला जैसी मूवी है जिसमें मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की स्टोरी है उनको जो ये रेफर है फिल्म और इसमें ये भी दिखाया गया है कि उनका जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कितना गोल्डन टाइम होता है। सर वो टाइम आपको भी याद आ गया होगा चंडीगढ़ आके जिस टाइम पे आप क्रिकेट की दुनिया में छा गए थे सर, वर्ल्ड कप लेके आए थे इंडिया के लिए। सो मैं चाहूँगा कि उन मोमेंट्स को क्या याद करते जब आप इस मूवी को देखते हैं। अच्छा लगा, एक थीम है पंजाबी मूवीज नॉर्मली ऐसे तो नहीं बनती, थोड़ी अलग टाइप की होती है, इसमें एक थीम रखा है एंड अच्छा लगा। एक पुलिस के ऊपर है, एक यंग लड़का होता है उसको कुछ करना होता है क्योंकि हम जब बड़े छोटे होते हैं हमें सोच इतनी बड़ी नहीं होती, बस लगे रहते हैं कि हाँ चलो कुछ करना है। सडनली जब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी बदल रही है तो फिर मेहनत भी रंग लाती है। सर उस टाइम का कोई एक मौका कोई याद आता हो चंडीगढ़ की, कोई आपकी स्टोरी, कोई एक मोमेंट हर रोज का मजा था वो बाल्टी में पानी पीना एंड एक दूसरे की खिंचाई करना। सो वो चाय के गिलास में एक चाय और तीन तीन लड़के पीते थे, वो सब चीज़ें जो वो मूवी में दिखाई है वो भी हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता था। जोबनप्रीत सिंह ने लीड कैरेक्टर किया सर, जो लीड एक्टर है और गुरबानी गिल, सो दोनों ने लीड कैरेक्टर किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? या कौन सा किरदार ज्यादा नजदीक आया? ना मेरे को नहीं, आपको क्या कहना है, मेरे लिए तो सब बच्चे हैं और बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहोगे इस मूवी के बारे में वो मुझे देखना है कल। सर पंजाबी सिनेमा डे बाय डे ग्रो कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये थीम है कि हर एक को यहाँ से कनाडा भाग रहा है, पंजाबी को वो थोड़ा बुरा लगता है कि ज़िंदगी आप यहाँ भी बना सकते हो और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने देश को छोड़ के अपने
शहर को अपनी प्रांत को छोड़ के आगे ना भागे और भी अच्छा लगेगा। सर पंजाब ने बहुत बड़े क्रिकेटर भी दिए हैं, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर आर्मी ऑफिसर भी दिए हैं, पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ कहने की ज़रूरत है? अगर कहने की ज़रूरत है तो फिर फायदा ही नहीं। पंजाब तो वैसे ही इतना बड़ा ही जगह है और इतनी कुर्बानियाँ दी है, कहने की ज़रूरत नहीं पंजाब के बारे में। सर आप प्लीज शेयर कीजिए अपने व्यूज जो है। क्रियासी की टीम में 4-5 पंजाबी थे, देख लिया पंजाबियों ने क्या किया वहाँ, वर्ल्ड कप भी जीत गया, कपिल देव से सामने वो कप्तान, सर ग्राउंड पर लड़ मरने को दिल करता है, मर जाएंगे लेकिन फला छोड़ेंगे नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिल्म बनी है साढ़े पंजाब के, इंडिया के यूथ वास्ते, फर्स्ट रिस्पोंडर्स वास्ते, तो विक्की जी ने बहुत मेहनत की थी है, एंड यह फिल्म दसदी है कि साढ़े बच्चे जे चाहन लाइफ कुछ करन नू, हर चीज़ पॉसिबल, सो इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। मैं इस पिक्चर के अंदर एक सीरियर का रोल प्ले किया है, जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होंगे वह अकैडमी जाके बच्चों थोड़ा प्रोत्साहित करता है, उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन दिखाता है, तो दसदा है कि अकैडमी के अंदर किस तरह रहना चाहिए, अकैडमी के सूर किस तरह के है, यह मेरा रोल है। मैं इस गल दे नाल एग्री नहीं करांगा। हुण तुसी देखो जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म बहुत बच चुके हैं, OTT ने किन्ने यंग नए कलाकारां नूं कम दिता है, मौका दिता है, जयदीप अलावत फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लवांगा। फिल्म इंडस्ट्री का डायनेमिज़म बदल गया है, जे तुहाडे टैलेंट हैगा एंड तुसी मेहनती हैगे हो तो तुहाडा टैलेंट जरूर वेख्या जाए। बस जी आज दिन आ गया है जो आप मैसेज देना चाहते थे फिल्म के थ्रू, वो आप दे रहे हैं जहान किला जो आप ट्रिब्यूट की है फर्स्ट रिस्पोंडर्स नू, आज काफ़ी सारे फर्स्ट रिस्पोंडर्स आ भी रहे हैं जो बहुत खुशी की गल हैगी है, तो दिलों मैं बहुत खुश है क्योंकि मेरी पहली पंजाबी फिल्म है, पंजाबी फिल्म विच मैं आज अपना झंडा गाड़ता कि आ गया जशन कोहली पंजाबी इंडस्ट्री च, तो मैं थोड़े सारा का भी कहना थैंक यू सो मच इतने आने लिए क्योंकि ये एक सपोर्ट चाहिए सी कि सानू सारे तो ताकि एक नवा जिहड़ा कहिंदे नवी जनरेशन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री नू चाहिए सी जो सानू देनी चाहिए सी, एक नवे चेहरे देने चाहिए जो आप दे रहे हैं, तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी पूरी फैमिली भी इतने हैगी है, तो दे फील वेरी प्राउड कि अज जो मैं हमेशा बॉम्बे च किया अज पंजाबी इंडस्ट्री चो कर रहा हूँ। अच्छा जशन जी एक गल है कि तुहाडी ये पहली पंजाबी फिल्म जी जी जी, सो एक वो एक फ्लेवर भी मिल गया बॉलीवुड फिल्म वाला है ना, सो तुहाडी एंट्री हो रही है पंजाबी सिनेमा दे विच, उधर दूजे पासे एक बड़े दिग्गज आर्टिस्ट जो होते हैं बब्बू मान साहब उन्हां दी भी फिल्म लगी हुई है, सो की कहोगे बड़ा मौके दे उत्ते दोनों फिल्मां जिहड़ियां इकट्ठियां आईयां ने? देखो जी मैं तो बल्कि चाहता कि मैं टाइम कटा तो बब्बू मान जी की फिल्म देख जावा, तो मैं ये भी कहांगा कि उन्होंने भी टाइम कटना चाहिए कि साड़ी फिल्म देख, जे पंजाबी इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो अपन एक दूजे को सपोर्ट करना है, तो कॉम्पीटिशन तो मैं समझ नहीं आता कि क्या कॉम्पीटिशन किस नाल है, सब की ऑडियंस हैगी है, कहते सब का दाना पानी लिखा उद्दे, मैं लगता जहां किला अलग हैगी है, एक अलग जॉनर हैगा, एक यूथ की फिल्म हैगी है, एक बहुत अच्छे मैसेज आप दे रहे हैं, तो देर इज नो कॉम्पीटिशन इस इंडस्ट्री में सब की थां हैगी है, जे नहीं हैगी तो आप बना लाँगे, तो मैं लगता है दुनिया भी सब की थां हैगी है, तो अपनी अपनी थां हैगी है, किसी का किसी ने कोई कॉम्पीटिशन योजा है नहीं, तो मैं बल्कि मैं बब्बू मान जी ने यह रिक्वेस्ट करता कि तुम प्लीज़ आओ तो जहां किला देखो। अच्छा जिम्मे फर्स्ट रिस्पोंडर्स की गल की टाइम होंगे ना ट्रेनिंग पीरियड उस जिसमें फिल्म के दर्शाया बड़ा बड़ा गोल्डन पीरियड होंगे अपने एक्टिंग उस पीरियड चो गुजर रही थी, तो एक्टिंग फील्ड के उसका की एक्सपीरियंस ने अगर तुम कोई शेयर करना चाहो या सिमिलैरिटी लगी हो इस फिल्म के कॉन्सैप्ट? देखो जी मैं हाँ मैंने भी लगता कि हर फील्ड का ना जो बेसिक स्ट्रगल होंगी है एको ही होंगी है, जो आप एक फर्स्ट रिस्पोंडर की ट्रेनिंग देखते हैं तुम फिजिकल ट्रेनिंग देखो तुम वैसे देखो कि किन्नी सैक्रीफाइस है, हूँ अज मैं आना सगा बल्कि मतलब कि मैं कुछ नहीं है फिर भी मैंने बहुत सैक्रीफाइस करना पैदा इतने तक आने लिए भी तो टाइम करना पैदा, मैं जोबन तो सुनया सगा कि कदे कदे मुलाजमान 15-15 दिन 20 दिन छुट्टी नहीं मिलती, बहुत वड्डी गल हैगी है, तो उदा ही मैं अपनी इंडस्ट्री देख लो, मैं 2008 में अपना पहला रियलिटी शो किया, अच्छ 2024 है, मैं 16 साल लग गए बट मैं आ गया, तो कहें कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਲਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਹਾਂ ਕਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਹਾਨ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਜੁਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਹਾਨ ਕਿਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ
और दोवां दी रिपोर्ट अच्छी आ रही है जिस तक अज पहला दिन ओपनिंग जिहड़ी है दोवां नूं अच्छी मिल रही है और मेरे लिए तो बहुत ही बड़भागी दे मैं एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल कपूरथला तो मेरी परवरिश फौजी टाइप हुई है मैं अज भी सवेरे 5 to 7 के बिच रनिंग करना तो मैनू वो नहीं है तो मैं वैसे शक्लों वैसा ही कौड़ा जहा लगता तो जोड़ा मेरा ना है काला राग है उस्ताद उन्हों का तो उस्ताद जोड़े होंगे उस्ताद जो सख्त ना हो तो फिर चेले तराश नहीं निकलते तो उस्तादा का सख्त होना जरूरी है तो बुरे होना नहीं जरूरी मैं थोड़ा जहा बुरा भी हाँ ये पर सख्ता तो वो डरते ने काला नाग इसलिए नाग रखे कुछ रंग रूप सोहना दिता रब ने तो ढुकता मेरे से बड़ा सरियल एक मूवमेंट है कि जो सपना देखते थे अज सच हो गया तो सोहना जहा रेड कारपेट से वॉक करने का मौका मिले सो वेरी थैंकफुल सानू बहुत खुशी है जी बड़ी एक्साइटमेंट है अज 70 फुट की स्क्रीन पर साढ़ा जो क्लोज लगेगा ना मज़ा आऊगा सो सानू तुहाडी ब्लेसिंग्स की लोड़ है डेडिकेट है जी सा पंजाब के जो भी है जां इंडिया के फस्ट रिस्पोंडर ने मूवी उन्होंने असी डेडिकेट की है साडी मूवी नहीं ताडी मूवी असी सारे ने बस किरदार लवाए हैं बड़ी प्राणी प्यारी जी स्क्रिप्ट सी जिन्हें भी असी एक्टर सारे ने मेहनत की है तो सानू हुण ब्लैसिंग्स की लोड़ है जी धन्यवाद इट्स वेरी अनरियल व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे पंजाब में डेब्यू करने का मौका मिला पंजाबी चकदे भट्टे जिन्होंने देखी उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी फिल्म है बहुत प्यार दिया उन्होंने और कहा कि उन्होंने बहुत इंजॉय किया फिल्म को एंड देवर रियली रियली वेरी वेरी हैप्पी टू हैव वॉच द फिल्म सो बहुत अच्छा लगा थैंक यू जी थैंक यू मेरी ये पहली फिल्म है मैं डेब्यू कर रहा हाँ इंडस्ट्री के पहला मैं थिएटर करता जी तो गाणे काम करता जी आज मैं बहुत वधिया फील हो रहा है ये फर्स्ट रिस्पोंडर डेडिकेट की जा रही है जिहड़े साडे जवान बॉर्डर के उत्ते साडी सेफ्टी लई खड़ते आ पुलिस मुलाजम जिहड़े आ होर सरकारी कर्मचारी आ ये उन्हां नूं डेडिकेट की जा रही है वो सारे दिन त्यार छड्ड के साडी सेवा लई अपनी फैमिली तो दूर रहिंदे आ पहला वो वर्दी पाने लई किन्नी मेहनत करते पढ़ाइया करते फिर जदों वर्दी मिल जाती है फिर वो वर्दी पा के वे सरहदा के उत्ते रहिंदे आ तो पता भी नहीं होंदा उन्हां नूं कदों घर आना कदों दिन त्यार तो सारे दूर रहिंदे आ ये उन्हां नूं डेडिकेट की जा रही है जवानों नूं ते सारे कंपनी का एक्ट्रेस का थैंक यू करना चाहुंदा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहना सारे का कि आ मौका मिले मैंने इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू लाइक रेड कार्पेट पे आना एंड फर्स्ट फिल्म है मेरी तो बहुत खुशी है नर्वसनैस भी है एंड एक्साइटमेंट भी है कि अगे की होंगे सो ताड़े सारे स्पोर्ट की प्यार की जरूरत है फर्स्ट रिस्पोंडर डेडिकेट कर रहे हैं लाइक तुम देख रहे हो कि पंजाब पुलिस को याद कर रहे हो क्योंकि उन्होंने असं ज़्यादातर सारी फिल्मों से बाकी सारे उन्होंने वो लाइक रूप देखते हैं बट मैं ट्रेनिंग सेंटर बारे बहुत घट गल हुई मेरा खुद का ब्रदर पंजाब पुलिस है एक चीज़ मैं नोटिस की कि पंजाब पुलिस बारे बहुत सारिया गल्लां नैगेटिव गल्लां मतलब करते रहते कि पंजाब पुलिस रिश्वत लैंदी है भी चीज़ा करती है बट जो करोना पीरियड से मैं खुद जानता कि ब्रदर अपने छोटे जे बेबी को छोड़ के बाहर ड्यूटी पर जाता है तो उस रात में वापस आते अपने बेबी की लाइफ रिस्क रख के जो कोई नहीं जाता वापस सो यह मूवी साड़ी फर्स्ट रिस्पोंडर लई पंजाब पुलिस लई मैं ये कहना चाहना कि तुसी बहुत प्यार दिता मतलब इन्ने मतलब भरिया पिया सिनेमा सो मेरे को शब्द नहीं है थोड़ा थैंक यू कर तुसी सारे आए हो तुसी कवरिंग कर लगे हुए हो तुसी सवेर तो सानू पिछले 10 दिन तो सानू कवर कर लगे हो इन्ना सपोर्ट कर रहे हो पंजाब पुलिस इन्नी सपोर्ट करती है रंगरूट इन्नी सपोर्ट करते हैं जिन्हें मुलाजम ने वो सारे इन्नी सपोर्ट करते सो उन्हों का मतलब दिलों धन्यवाद असी जो असी मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म राही कि जो गोल दिखाना चाहते हो शायद असी वो दिखा पाइए तो मैं बड़ी खुशी हो रही है कि अज मतलब इन्नी गिणती दे विच तुसी आए हो तो मेरे को शब्द नहीं तो खुशी बयान करने दे जिन्होंने फिल्म देखी है दरवानी की कहना है जिन्होंने आईफोन की फिल्म देखी शो काफी चल रहा है हाँ बहुत हले आई हैवन गॉटन द टाइम कि मैं मैसेजेस सारे पढ़ा बट फैमिली एंड फ्रेंड्स तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं तो हूँ राइट इन द मिडल असं खड़े हैं सो हाले तो महसूस ही कर रही है सारी चीज़ा वो बहुत चंगा लग रहा लाइव भी हुए थे असी 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 रंगरूट भी इकट्ठे ही रहे हैं भी इकट्ठे हुए
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੋਬਨ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਭਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬੈਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਟੂਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਆ ਜਹਾਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਰੰਗਰੂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਂਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਫੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਓ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੰਗਰੂਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਲ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਰੂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਗਭਗ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੈਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਐਸੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੂਹੀ ਸੇਠੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਸਾਹਿਲ ਔਰ ਰਿਸ਼ਭ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਓ। ਓ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮੋਹਲਤ ਵੇ ਥਾਲੀ ਹੈ ਢੋਲਕ ਵੇ ਮਜਿਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਰੰਗ, ਹੋ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚੋ ਵੇ ਪਾਓ ਧਮਾਲਾਂ ਵੇ ਮਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੈ ਮਲੰਗ,
के सजे कबेला देने सारे बने के मचया है बांबड़ चन माही चने के मारे जद ठुमका ते जग तेनु मने के फन करे बने खाए अज बने ओ लुत्फा दा गुड लक कोई ना बने के मना मैं तेनु जे तू मैनू मने। इस करके कर रहे कि इस दे विच थीम है कि यानी तुसी थोड़ा बहुत काम किया है तू नाटके चले गए अमेरिका चले गए कैनेडा चले गए बाबा इतने बहुत कुछ है यही है बाबे की जमीन तो आई थिंक यंगस्टर जड़े है वो अंडरस्टैंड करे कि फ्यूचर दुनिया का इतने है तो आप बाहर के मुल्क क्यों जाना है इतने मेहनत करो और इतने सब कुछ है ता करके मूवी होर भी ज़्यादा अच्छी लगी। सिनेमा चाहे वो पंजाबी का हो या साउथ इंडियन का हो या हिंदी सिनेमा का हो पिछले 15 साल बहुत चेंज देखने को मिले शायद एक स्टेप हैगा इस तो बाद शायद बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर या बड़े बड़े राइटर इस तरह मूवियां होर लिखेंगे। आज तो 20 साल पहले इस तरह का सोच भी नहीं सी एटलीस्ट आज सोच तो बदली है। थैंक यू वेरी मच। The person who had produced this film, this is a wonderful theme and I pray and I beg and I advise every Indian young student to follow this theme. Where there is will, there is a way. थैंक यू सर। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी हमारे शमशेर सिंह आईपीएस में पास हो गए आईजी बने इट्स अ ग्रेट एंड इट मीन दैट एवरी पर्सन बाय द ही इज फ्रॉम विलेज एंड ही इज मे बी द पुअरेस्ट मैन ऑफ द कंट्री कैन गो टू द टॉप ऑफ द। सो जहान किला मूवी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म की स्टारकास्ट जशन कोहली इस वेले अपने नाल उन्होंने नाल खास गलबात करेंगे। सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म दे लई। सो मच मैम, आज बहुत वड्डा दिन है मेरे लिए नहीं पूरी टीम लिए नहीं मैंने लगता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लिए कि एहोजा रिस्पॉन्स एक एहोजी फिल्म एक नवी कोशिश मिल रहा है। बहुत प्यारी फिल्म है सीरियसली असी भी देखी है बहुत सोहनी है और हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग दे नाल दिखाया है ना। सो तुसी अज वड्डे पर्दे ते फिल्म देखी अपने आप नू वड्डे पर्दे ते इन्नी मेहनत तो बाद अज देखिया है ना। सो किस तरीके का एहसास है? देखो जी जो पिक्चर शुरू होने वाली थी जो हाउसफुल देखा उत्थे मैं लगता एक खुशी का ठिकाना नहीं सगा हजे इंटरवल तो बाहर आके लोगों ने जो प्यार दिता है समझा कि क्या सर तुम इन्ना सोहना मैसेज दिता थोड़ा काम इन्ना सोहना है मैं लगता है कि जो विजन सी मेरी कि एक दिन वो आऊगा कि जो लोग कहे कि नवे कलाकारों को मौका दे दो क्योंकि ताई जनरेशन अगे निकलेगी तो वो अज वो दिन आ गया है एक बहुत वो जित हैगी है जहान किला लिए भी तो पूरी इंडस्ट्री लिए भी मैं बहुत खुश हैगा परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिमें कि आप होंगे ना कि शूट कर रहे होंगे शूट टाइम अपने दिमाग के एक इमेज बन रही होंगी है कि इस तरीके की बनूगी फिल्म इस तरीके की बनूगी। सो जिस तरीके तुम सोची सी उस तरीके की निकल के आई है बाहर? देखो जी हाँ जी एक शुरुआत जो की सी तो एक मैसेज फड़िया सगा फिर उन्होंने किदा किरदारा के थ्रू उन्होंने अगे लैके जाना है हमने कई आ रहे थे सर वो घबराटी जिदा भजता है बहुत वधिया छोटी छोटी चीज़ा जो मैं अपनी इनपुट दी सी इस कैरेक्टर लोगों ने देखी है इस तो वड्डा की हो सकता जो थोड़ी ये हरकतों को एप्रीशिएट किया जाए इसलिए मैं बहुत खुश हाँ कि जो आप सोचा सगा उस तो वधिया बन के निकलिया। सो एक गल होर तुहानू दस दिंदे आ कि जिस तरीके का किरदार ट्रेलर दे विच जशन दा आपां देखिया सी उस तो भी बेहतरीन चीज़ आपां फिल्म दे विच देख रहे हैं बहुत सारिया चीज़ा सरप्राइज़ रखी हुई इस फिल्म दे विच जो पूरी फिल्म देख के ही तुहानू सामने आउणगीआं। सो दर्शकों नू की मैसेज देना चाहोंगे? दर्शकों नू इह मैसेज हैगा जी कि पंजाबी सिनेमा ते पंजाबी व्यूअर्स हुण उठ गए ने मैनू लगता रेवोल्यूशन का टाइम आ गया है तो थैंक यू सो मच जिन्हें जिन्हें इन्ना प्यार दिता है तो जेड़े तो अजे तक नहीं पहुँचे ने जान किला देखें प्लीज़ जाओ थिएटर यही टाइम हैगा वड्डी करदे इंडस्ट्री नूं वधिया करदे इंडस्ट्री नूं ते मौका दिंदे सारयां नूं।
बेस्ट विशेस मूवी दे ले जशन, थैंक यू सो मच। इस वेले जोबनप्रीत अपने नाल है इस फिल्म दे हीरो सोना दे नाल खास तौर ते गलबात करेंगे। सब तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद तुहानू फिल्म दे लई, असी भी फिल्म देख के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही सोहना सुनेहा दिता गया और तुहाडी अदाकारी भी बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। मैं तुसी इन्ना प्यार दिता अज सारे ने, मैं ता मतलब मेरे को शब्द नहीं वो बयान करन दे लई किदा मैनू एप्रीशिएट कर रहे सीगे, वो मतलब बहुत बड़ी गल आ मेरे लिए है ना। सो मैं सारे का धन्यवाद करना चाहना, खास करके पुलिस के जवानों का जिन्होंने मेरी इन्नी सपोर्ट की है, उन्होंने आपकी फिल्म आते वो आपकी फिल्म में आपदे आप देख रहे हैं, तो मैं बड़ी खुशी होती है। मैंने हमने हमने एस पी मैम आए थे, वो मिल के गए तो वो कहने मैं वो दिन याद आए जो अभी ट्रेनिंग करते थे। सो किड्डी वड्डी गल आ मेरे लिए, सो वो तो मैसेज भी मिलता। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि परमात्मा तू बहुत व्डा, तेरे रंग तू ही जानता। बिल्कुल, क्योंकि आप रिव्यूज़ किए इतने पब्लिक दे बहुत ज़्यादा खुश है, सारे कह रहे हैं कि मैसेज बहुत ज़्यादा सोहना दिता गया, यंगस्टर ते बेस्ड ये मूवी बनाई गई है। सो जिस तरीके की तुसी सोची सी अज तुसी वड्डी स्क्रीन ते पूरी दी पूरी फिल्म देखी है ना, जिस तरीके की तुसी सोची सी, क्योंकि जो आप शूट कर रहे हो एक इमेजिनेशन होंगी कि इस तरीके की निकल के आऊगी, वो एक्सपैक्टेशन से खरी उतरी है खुद को देख के लग्या? हाँ जी, देखो जो तुम कोई चीज़ बनाने हो ना, थोड़ा जो जो क्रिएटर बंदा होंगे ना, जो कलाकार होंगे वो हमेशा कदे सैटिस्फाई नहीं होंदा हैगा, ठीक है। सो सानू भी ये लगता होंदा भी यार ये तो वधिया आ भी कर सकती, आ भी कर सकती, पर जो होया वो सुपर होया, जो सोचा से तो वधिया होया। सो थैंकफुल आ परमात्मा दे। सो दिल खुश हो रहा देख के जिस तरीके दे पब्लिक दे रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं? देखो जी जो तुम कोई कोशिश कर रहे हो किसी काम की, जो परमात्मा वो थोड़ी बांह फटदा तो तुम्हें कहता भी नहीं तेरा ये मैं हैल्प करूँगा तो वह करता, तो खुशी दिल में जरूर होंगी है ना। अच्छा मैं ये कहना चाहना कि तुम जरूर सिनेमाघर के जाओ, ये थोड़ी आपकी फिल्म आप ये हीरो हो, ये थोड़े बिचों ही मैं निकलिया, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, सो मैं थोड़ा ही थोड़े बिचों ही निकलिया बंदा, तो कोशिश की है एक चीज़ बनाने की, तो तुम इन एप्रीशिएट करो ताकि नवे टैलेंट को होर मौका मिल सके तो वो अगे आ सकन। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस थोड़ी मूवी दे। सो जहानगिला मूवी तो गुरबानी इस वेले साडे नाल आ, उन्हां दे नाल गल करांगे। सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म दे लई। सो तुसी वड्डी स्क्रीन ते हुण फिल्म देखी, बहुत ज़्यादा पहला मेहनत लगी है शूट टाइम, सो अज देख के किवें लग्या? बहुत वधिया लग्या, बिकॉज अज फैमिली आई है ते अज सारे लोग आए ने, अज एक्चुअल रिएक्शन पता लग रहा वा। सो वधिया लग रहा कि अज हुण इह बाहर जा रही है दुनिया च ते या इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक ओके Yeah, we've done our job. Now it's yours. Okay, so public reaction तुसी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इन्ना ज़्यादा प्यार मूवी नूं दिता जा रहा है ना। जो शूट करते होंगे उदो दिमाग दे विच बहुत सारिया चीज़ा होंदियां कि शायद इस तरीके नाल दिखाया जाऊ, शायद उस तरीके नाल दिखाया जाऊ, जो तुहाडी एक्सपैक्टेशन सीगियां मूवी तो वो पूरियां हुई हैं? या सी कोई भी चीज़ उत्ते उत्ते एक्सपैक्टेशनज इन्नियां नहीं, पहली गल पाई दी दिल नाल करी दी है, कोई भी यू नो चीज़ कोई भी काम कर रहे दिल नाल करीदा। इस मूवी दे नाल असी, क्योंकि असी फिल्म इंडस्ट्री तो आ, सो असी काफ़ी दिमाग लगा के चलते हैं कि एवें दा रिएक्शन होगा, एवें दा होगा। सो उस चीज़ों तो एक्चुअली बियॉन्ड जो जिहड़े जोक्स ते मैनू भी नहीं इन्ना रिएक्शन आया सी पहला, बट ऑडियंस का वो रिएक्शन देख के मैं बहुत अंदरों खुशी मिलती है, तो एक वैलीडेशन फील होंगी कि ओके यू नो यू जस्ट हैव टू डू इट विद अ गुड हार्ट, बाकी अपने आप हाउ इट्स सपोज्ड टू बी इट विल बी। सो इट फील्स वेरी गुड कि इट्स गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। ओके, सो जिदा कि मूवी दे विच देखिया कि थोड़ी कैमिस्ट्री जोबन दे नाल दिखी जा रही है, पर पूरी फिल्म की अगर शूट के दौरान की गल करिए तो किस किस नाल तुहाडा बॉन्ड जो है बेस्ट रहा शूट के दौरान, कोई मैमरीज होणगीआं तुहाडीआं? हाँ, मेरा जीत के नाल बॉन्ड बहुत वधिया रहा वा। जीत ते मैं, क्योंकि मेरे सीनस बॉयज़ के नाल घट ने, मोस्टली जोबन के नाल ने, सो बिहाइंड द सीनस मेरे ते जीत का स्कैड्यूल वॉज वेरी सिमिलर, बिकॉज असी बॉम्बे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साडे स्कैड्यूल अलाइंस हो रहे थे। सो आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड आई एंजॉयड एवरी डे यू नो बिहाइंड द सीनस। आफ्टर साडा शूट खत्म हो जाता सी, असी डिनर करते सी, असी मस्ती करते सी, या किसी होर का शूट सीन चल रहा होता सी, तद यू नो असी हंसी मजाक करते सी, इट वॉज गुड। सो अज जिन्होंने फिल्म नहीं देखी अजे तक, उन्हें ऑडियंस नू की मैसेज की देना चाहोंगे? जहान किला हुण बाहर आ गया, अज फर्स्ट डे फर्स्ट शो लग गए ने, तो हुणे मूवी थोड़ी आ, सानू थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, साड़ी सारी स्टार कास्ट नवी है, कोई फैमिली फिल्म फैमिली तो नहीं आता, तो प्लीज़ इस मूवी नू थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दिओ, तो बाकी मेरी पहली पंजाबी मूवी है, सो जरूर देखन जायो। आई होप थोनू काम वधिया लगे साडा, तो ये लाइट हार्टड एंटरटेनमेंट आ विद अ गुड मैसेज, सो प्लीज़ गिव अस अ चांस टू एंटरटेन यू, बाकी सी यू इन सिनेमाज़।
थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेज थोड़ी मूवी के लिए. थैंक यू सो मच. म्यूजिक की गल करिए, म्यूजिक बहुत सोहना है, गाने बहुत ज़्यादा सोहने हैं. सो इस फिल्म के गाने के नाल नाल डांस बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है. सो कोरियोग्राफर इस फिल्म के अपने नाल उन्होंने नाल खास गलबात करेंगे. सब तो पहले तो सत श्रीकाल जी और बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म के लिए. थोड़ा फिल्म के लिए अगर आप पूछोगे गाने के लिए, तो ये फिल्म से मैं साल भर से एसोसिएटेड था. सारे फिल्म के शूटिंग के दौरान मैं फिल्म में मौजूद था, तो मुझे हर एक कैरेक्टर के नब्स पता था कि वो कैरेक्टर कैसे चलता है, बोलता है, उसका क्या स्लैंग्स है, उसके क्या बॉडी लैंग्वेज है. क्योंकि मैंने इसके इनके वर्कशॉप्स भी लिए थे 10 दिन पहले, शूट के 10 दिन पहले सारे बॉडी लैंग्वेज पर हमने काम किया था. और जब गाने की बात आई, तब गाने में मुझे उसका बड़ा एडवांटेज मिला उस चीज़ का. तो हर एक बंदे का कैरेक्टर आपको दिखेगा गाने के दौरान. अगर आपने देखा है सुखा को, सुखा थोड़ा सा लड़कीबाज कैरेक्टर है, उसको लड़कियां ये होती है, अट्रैक्ट करती है. तो उसके पूरे रूम के अंदर सन लियोन्स के फोटोज़ लगाए, तो वो उसका वो कैरेक्टर ही था. तो वो आप गाने में भी देखोगे कि वो लड़कियों जैसे हरकतें करता है. और घबराटी बाबा पहले से घबराता है, आपने देखा पिक्चर के दौरान भी कि घबराटी डर के मारे अंदर चला गया, क्योंकि वो डरा हुआ कैरेक्टर है. लेकिन जब वो रूम बंद होती है तो घबराटी निकल पड़ता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर वैसे डिज़ाइन किया है. हर एक कैरेक्टर को गाने में उतना अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा सबने उम्दा किया. सो कोरियोग्राफी करते वक्त कितना एंजॉय किया, उतों के सेट का कोई एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो. राइट, सेट का एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जब हम ये गाना शूट कर रहे थे, ये गाना शूट करते समय हमारे पास जो जगह थी वो सिर्फ 5 दिन के लिए थी, और हमको काफ़ी सारे सीन्स भी करने थे. तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि हम क्या करते, ये गाने के एंड में ना हम एक सीन भी शूट कर लेते. तो मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था, क्योंकि एक दिन में हमको गाना करना था वो, और एक दिन में गाना करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए. बट फिर भी मैंने उसको प्री प्लान बहुत अच्छे से किया था. और जो अपना जो सुखा कैरेक्टर है, उसने रिहर्सल में बड़ा ही, मतलब मुझे थोड़ा सा ना टेंशन आ गया था, क्योंकि उस कैरेक्टर पे मैंने मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा निकलेगा वहाँ से. जोबनप्रीत और जशन और 69 और जीत, ये लोग फिर भी अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन सुखा से मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट था मैं. उसने उस दिन जब हम लोग उसका उसका एक सेक्शन आया जो करने वाला, उस दिन मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने उस चीज़ को पता नहीं कहाँ से जादू आ गई उसमें, और उसने इतना खतरनाक किया यार. वो लड़की बात जो मुझे चाहिए था, मैं 4-3 दिन से रिहर्सल में बोल रहा था यार, वो लचक नहीं आ रही है. जो वो लचक आएगी ना तो लोग हंसेंगे, और मैं देख रहा हूँ प्रीमियर में लोग उसके वो सेक्शन में लोग तालियां बज रही है, लोग हंस रहे हैं, क्योंकि वो इतना प्रिसाइज दिखता है वो सब. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार. सिखाना मुश्किल था पर सीख गए वो, मतलब. यस यस, वो डांस जशन फिर भी अच्छा कर लेता है डांस, जोबन भी अच्छा कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स है हमें उनके लिए तो फर्स्ट टाइम था डांस. लेकिन फिर भी मैं उनके लिए अच्छी बात कहूँगा, उनको कॉन्ग्रेट्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया कि फर्स्ट टाइम डांस कर रहे. तो दिस इज़ गुड फॉर मी. और मुझे सिखाना भी अच्छा लगा उनको, और मेरा गाना भी अच्छा निखर गया है उससे. थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस मूवी दिल्ली सर. थैंक यू सो मच. सो जहान किला मूवी के डायरेक्टर विक्की कदम जी इस वेले अपने नाल उन्होंने नाल फिल्म के बारे गलबात करेंगे. सो सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म के लिए, बहुत ही सोहने जे कॉन्सैप्ट तुसी मूवी लेके आए हो सर. थैंक यू सो मच. ये जो स्टोरी है जोबनप्रीत ने लिखी है, और लाइक काफ़ी अच्छी लिखी थी, इंस्पायरिंग लिखी थी, और इसी के लिए लाइक क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत प्यारी इस फिल्म दे विच देखने को मिल रही है ना, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है. आप पब्लिक रिव्यू देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद दर्शकों के वालों किया जा रहा है. सो किस तरीके का एहसास है इस वेले कि इन्ना ज़्यादा प्यार मिलता नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा, लाइक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है. लाइक लोग आके बोल रहे हैं कि लाइक उनको अच्छी लग रही है, हर एज ग्रुप के लोग बोल रहे हैं कि लाइक अच्छी लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो शूट टाइम का कोई इद्दां दा एक्सपीरियंस हैगा कि कोई चीज़ा मतलब शूट करनी है टफ रही हूँ? कई बार कोई इदा के सीनस होंगे जो कि देखने के अपन स्क्रीन पर इदा लगता है कि ईजी है, पर उन्होंने शूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, कोई एक्सपीरियंस इदा का? बेसिकली जो अपने मलेरकोटला सीन है फिल्म के अंदर, एक रायट होती है, तो वहाँ पे एक्चुअली दिखा है कि पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, तो पूरा सुनसान है. सो हम लोग का वो शूट था, वो 3 दिन 3 नाइट का प्लान किया था हमने, और उसमें से 2 रातें ज़ोरदार बारिश गिरी. तो हमें लाइक था कि अभी क्या करें, मतलब. और थर्ड डे हमें मिला, थर्ड डे हमें थोड़ा ओपन मिला,
तो हमने एक पार्ट शूट का सीन का कर लिया और बचा हमारे पास सिर्फ अभी मतलब 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक इतना ही टाइम बचा था कंप्लीट करने के लिए। उसमें भी बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, तो आई थिंक 1 बजे तक बारिश हो रही थी, तो हम लोग को लगा गया ये। फिर हमने क्या किया कि लाइक मैं और मेरे साथ एक समाधान, हम दोनों गए सेट पे, वो जो गलियाँ थी वो, तो हम लाइट वालों को ले गए वहाँ पे, और सभी ने बोला था ये सीन हो ही नहीं सकता बिकॉज 4 घंटे में आप क्या कर लोगे। तो लाइट वाले आए मेरे साथ, मैंने उनको मतलब रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कुछ करो यार आप लोग, मैंने तो ये सीन की मतलब सीन नहीं हो पाएगा। तो उनकी गुडविल से ना उन्होंने क्या किया, इतनी मतलब अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस में इन्होंने हर गली में हर चौक में हर जगह पे ये लोग ने वायरिंग कर दी, जिसके वजह से क्या हुआ ना वो सीन हमारी, हमने स्टार्ट किया अराउंड 1 बजे, हमने ख़त्म किया 5 बजे पूरा सीन। तो वो एक मतलब एक विक्ट्री थी हमारी बिकॉज लाइट वालों ने इतना अच्छा हेल्प किया हमें, और हमने इतना फटाफट उसको मतलब ये किया ना, प्लान किया ये सीन यहाँ करेंगे वो यहाँ करेंगे फटफट, मैं हम लोग रुके भी नहीं, एक्टर्स लोग ने भी साथ दिया, सब एग्जॉस्टेड थे बट सभी ने मतलब उस टाइम पे ना एक वॉर हमें लड़ी और जीत गए मॉर्निंग में। जो तुसी पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनिया सी तो तुहाडा की रिएक्शन सी, किस तरीके दी तुहानू लगी सी? उदो बहुत अच्छा, लाइक वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ये स्टोरी जैसे कि जोबनप्रीत खुद ये पुलिस में रह चुके हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस है, तो मैं और जोबन तो आई थिंक काफ़ी सालों से लाइक 5-6 साल से हम फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, लाइक वो भी काफ़ी शेयर करता है। उसी के दौरान उसने ये स्टोरी की भी मुझे स्टोरी बताई थी, तो लाइक हम लोग उसमें ना यही करते थे, मतलब वो एक कैरेक्टर बता देता था, हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करते थे, तो हमारी वो जर्नी चल रही थी। मतलब जब हम दूसरी फिल्म भी कर रहे थे साथ में तब हमारी ये जर्नी चल रही थी, सो बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब पहले से था कि अगर मौका मिला तो ये फिल्म को ज़रूर करना है, और जोबन को भी ट्रस्ट था, तो फिर जोबन को लगा कि शायद मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगा डायरेक्ट, तो इसके लिए। अपने चैनल के जरिए दर्शकों को की मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने आज इस मूवी नू नहीं देखी? अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो ये फिल्म जो है जहान किरा ये यूथ के लिए बनाई है, और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आई थिंक सभी ने देखनी चाहिए, ये ऐसी स्टोरी है जो हर किसी को टच करेगी, तो आई थिंक प्लीज़ जाइए, प्लीज़ जाके देखिए फिल्म को। ये फिल्म फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को डेडिकेट की है, एक मैसेज के साथ आ रही है, सो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि नए स्टार्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, सभी को मौका दो, एक्सेप्ट कर लो उनको, वो भी आए हैं, मैं भी नया हूँ, मुझे भी एक्सेप्ट कर लो, और प्लीज़ ये मूवी देखना। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस मूवी दिल। सो फिल्म जहान कला तो इस वेले गुरिंदर मकड़ा सर अपने नाल आ, उन्हां दे नाल फिल्म दे बारे खास गलबात करांगे। सो सब तो पहले तो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, पंजाब प्लस वेख रहे सारे ही प्यारे दर्शकों नूं गुरिंदर मकड़ा वल्लों सत श्री अकाल जी। सो बहुत बहुत मुबारकबाद सर, पहला तो फिल्म दे लई बहुत ही प्यारी जी फिल्म है, और तुहाडा किरदार जो है बहुत ही खूबसूरत देखण नूं मिलिया, एक रोब वाला देखण नूं मिलिया है ना, सो फिल्म दे बारे सब तो पहले तो की कहना चाहोगे तुसीं? ये फिल्म जी हर यूथ नूं वेखनी चाहीदी है, ते ये पंजाब नूं फिर तो मुख धारा च लियाउण दी कोशिश है, एक कि हर नौजवान नूं काम करना चाहीदा, मेहनत करनी चाहीदी है, और ये दूजा ये है कि जिहड़ी साडी पंजाब पुलिस है वह किन्नी मेहनत तरद्दद तशद्दद ते रगड़ा चल के ते फिर एक जवान बनदा, वो सारी व्यथा जिहड़ी गाथा इस फिल्म जहान किला च दिखाई गई। बिल्कुल, जिवें कि तुसीं बहुत सारियां हुण तक फिल्मां कर चुके हो है ना सीनियर आर्टिस्ट, सो आपां गल करिए इस फिल्म दे आर्टिस्ट जो है बहुत सारे चेहरे नवें देखण नूं मिल रहे हैं, सो फिल्म दी टीम दे बारे तुसीं की कहना चाहोगे, जो कि किते ना कुछ टीम नवीं इकट्ठी की गई सी सब दे बारे? हाँ जी, ये उन्हां दी कोशिश सी कि नवीं टीम ही लई जावे नवें मुंडे, क्योंकि यंग एक्टर्स बहुत घट आउंदे ने जिहड़े एस्टैबलिश हुंदे ने, ते ओह यंग जिहड़े स्टूडेंट टाइप एज है जिहड़ी 20 तों 25 दे विच विच, ओह फिर अजे इन्ने एस्टैबलिश नहीं हुंदे, सो उन्हां चों भी मेहनत करके ऑडिशन करके जिहड़े चंगे एक्टर्स ने उन्हां ने लए, ते उन्हां ने अपना दमखम दिखाया ते विखा रहे ने, ते तुसीं फिल्म वेख भी रहे हो। सो तुहाडे नाल किस तरीके दा एक्सपीरियंस रहा उन्हां दा, क्योंकि तुसीं काफ़ी डंडे डुंडे उन्हां नूं मारे है? नहीं, वह उस्ताद का रोल है जो काला नाग है उस्ताद, और बड़ा अच्छा रोल है, वो नैगेटिव करैक्टर एक्चुअली, तो ये क्योंकि मेरी बैकग्राउंड सैनिक स्कूल कपूरथला तो, मैं फौजी जिंदगी हंडाई हुई है, ये पीटी रगड़े ये खादे भी है,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਜਹਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ।